National Food for Work Program. National Food for Work Program was launched on November 14, 2004 in most 750 backward districts of the country. जो नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम था इसको नवंबर 14 2004 में लॉन्च किया गया था लगभग 150 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में पूरी कंट्री के विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटेंसिफाइंग द जनरेशन ऑफ सप्लीमेंट्री वेज एम्प्लॉयमेंट. इसका मोटिव ये था कि वो जो है एक तरह से उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाए, काम पैसा भी मिले और साथ ही साथ उनको खाना भी मिल सके. द प्रोग्राम इज ओपन टू ऑल रूरल पीपल हु आर इन नीड ऑफ द वेज एम्प्लॉयमेंट एंड डिजायर टू डू मैनुअल अनस्किल्ड वर्क. ये प्रोग्राम जो है हर उस गरीब गांव के वालों के लिए था या उन गरीब लोगों के लिए था जो कि क्या कहते हैं काम की तलाश में थे, उनको पैसा चाहिए था और वो हर कोई भी जिस काम में बहुत ज्यादा काबिलियत नहीं चाहिए उस काम को करने की इच्छा रखते थे. इट इज इम्प्लीमेंटेड एज 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड द फूड ग्रेन्स आर प्रोवाइडेड टू स्टेट फ्री ऑफ कॉस्ट. ये तभी इम्प्लीमेंट हो पाए क्योंकि 100% जो स्कीम थी वो सेंट्रल द्वारा स्पॉन्सर की गई थी, साथ ही साथ जो फूड ग्रेन्स थे उनको स्टेट्स को बिल्कुल मुफ्त प्रोवाइड करा गया था. द कलेक्टर इज द नोडल ऑफिसर एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. कलेक्टर जो होता है वो नोडल ऑफिसर होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एंड ही हैज द प्लानिंग ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन कोऑर्डिनेशन मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन. और उसी की पूरी जिम्मेदारी होती है प्लानिंग करने की, उस चीज को इम्प्लीमेंट कराने की, कोऑर्डिनेशन के साथ करवाने की, मॉनिटर करना है और सुपरवाइज करना है. For 2004-05, rupees 2020 crore have been allocated for the program in addition to 20 lakh tons of food grain. जो 2005-04 था यानी 2004 से 5 तक के बीच में लगभग 2020 करोड़ रुपया जो है वो इस प्रोग्राम के लिए दिया गया था और इसके साथ साथ लगभग 20 लाख टन फूड ग्रेन भी सप्लाई किया गया था. करंट स्टेटस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. Public distribution system is the most important step taken by the government of India towards ensuring food security. ये जो public distribution system है ये सबसे important कदम था जो कि government of India ने इस food security के लिए लिया. In the beginning, the coverage of the PDF was universal with no discrimination between the poor and the non-poor. Starting में क्या हुआ था, ये जो कवरेज किया गया PDF द्वारा ये सबके लिए एक जैसा था, यानी कि चाहे आप गरीब हो या ना हो तब भी आप क्या कहते हैं इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. Over the years, the policy related to PDF has been revised to make it more efficient and targeted. पर कुछ सालों में इस पॉलिसी को दोबारा रिवाइज किया गया और ये करा गया कि इसको और ज्यादा एफिशियंट और जितना इसका गोल है उसको अचीव करने के लिए प्रॉपर बनाया जा सके. In 1992, revamped public distribution system was introduced in 1,700 blocks in the country. अब revamped public distribution system जो है वो दोबारा इंट्रोड्यूस किया गया लगभग 1,700 blocks में कंट्री के. The target was to provide the benefits of PDF to remote and backward areas. अब इस वक्त इनका मेन टारगेट क्या था कि PDF का लाभ जो है वो ज्यादातर जो पिछड़े और बहुत ही रिमोट एरिया है उन लोगों को या वो लोग फायदा उठा सके. From June 1997, in a renewed attempt, targeted public distribution system was introduced to adopt a principle of targeting the poor in all areas. उसके बाद June 1997 में फिर एक नया attempt चला गया जिसका था targeted public distribution system. और ये introduce इसलिए किया गया था ताकि जितने भी area में गरीब लोग हैं उनको target किया जा सके. It was for the first time that a differential price policy was adopted for poor and non-poor. अब ये पहली बार हुआ था कि एक जो प्राइस है उसका डिफरेंस रखा गया था गरीब और जो लोग गरीब नहीं है उनके बीच में. फर्दर इन 2002 स्पेशल स्कीम्स वर लॉन्च्ड, द अंत्योदय अन्ना योजना एंड द अन्नपूर्णा स्कीम विद द स्पेशल टारगेट ग्रुप्स. फिर 2000 में जो है दो स्पेशल स्कीम्स लॉन्च की गई, एक थी अंत्योदय अन्ना योजना और दूसरी थी अन्नपूर्णा स्कीम जिसके जो है स्पेशल टारगेट ग्रुप्स थे of the poorest of the poor and indigent senior citizens respectively. अब इसमें जो है जो गरीब से भी गरीब है उनको टारगेट किया गया था या फिर जो सीनियर सिटीजन है उनको किया गया था. The functioning of these two schemes were linked with the existing network of the DPS. ये जो इन दोनों स्कीम की काम चल रहे थे वो बेसिकली जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क था PDF का उसी से ही लिंक थे.